असलम गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक डेज़र्ट, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। इसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पर 50 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। अब मैं इसमें डाल कर अच्छी तरह से इसे रब कर लूँगी। आटे में हम घी को इस तरह से मसल मसल के लेंगे, रब कर लेंगे जब तक यह आटा इस तरह से बन नहीं जाता है। देखिए इस तरह से बनना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर 250 ग्राम मैंने मैदा लिया था, उसकी बिल्कुल आधा मतलब 125 ml यहाँ पर पानी लेकर मैं इसे देखिए इस तरह से मसल के एक डो बना लूँगी। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छे से स्मूथ डो बना लेना है। इसे अच्छी तरह से हमें मसल लेना है। इसे हमें ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। तो जो 125 ml पानी लिया था उसे ही हम इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसे इस तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए आटे को अच्छी तरह से मसलने के बाद हम इसे प्लेटफॉर्म पर निकाल कर अच्छी तरह से दोबारा एक बार स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए डो को अच्छी तरह से स्मूथ करने के बाद हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद में हम इसे अच्छे से गोले बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इन गोलों को हमें किसी एयरटाइट कंटेनर में रख देना है हमें फ्रीज में 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए जब तक ये आटा रेस्ट कर रहा है फ्रीज में, उसी दौरान हम चाशनी बना लेंगे। तो चलिए चाशनी बनाने की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप शक्कर ली है पतीली में, और इसमें डालूंगी मैं 1 कप पानी। तो 1 कप पानी डालने के बाद में करछी से हम थोड़ा सा हिलाएंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। करछी चलाने के बाद में हम इसमें 4 से 5 इलायची डालेंगे, और फास्ट पर ही हमें आँच पर रखना है इसे और उबलने के लिए, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। ये देखिए उबाल आने के बाद मैंने इसे आधे नींबू का रस डालकर इसे एक बार अच्छी तरह चला लिया है, और इसे पूरी तरह से उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए गाइस उबाल आ चुका है, और उबाल आने के बाद में हमें इसे 10 मिनट तक के लिए धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए धीमी आंच पर 10 मिनट तक के लिए चाशनी पक रही थी, अब मैं इसे बंद कर लूँगी आज, क्योंकि ये चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए 4 घंटे फ्रिज में आटा था, और उससे बनाने से पहले मैंने आधे घंटे पहले इसे बाहर निकाल लिया था। तो ये देखिए आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसका गोल हमें अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से बेल लेना है। तो यहाँ पर मैं डस्ट करने के लिए कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। कॉर्नस्टार्च डस्ट करते हुए मुझे इस तरह से पतली रोटी बेलनी है, ये देखिए मैं बना रही हूँ। गाइस यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रोटी है इसे हमें बहुत ही पतली बेलनी है, जितना हो सके इसे साइड से हम पतली बेलेंगे। देखिए चारों तरफ से इक्वली इसे बेलना है हमें, और इसकी जो साइड्स है इसे हम कट करके इसे स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर या रेक्टेंगल आप जो भी चाहे बना सकते हो, मैं यहाँ पर स्क्वायर बना रही हूँ। ये देखिए स्क्वायर कट करने के बाद इस पर मैं डस्ट कर रही हूँ कॉर्नस्टार्च, और कॉर्नस्टार्च यहाँ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर छिड़कना है। ये देखिए कॉर्नस्टार्च डस्ट करने के बाद में हमें इसे टाइट रोल लपेटना है। इसमें हमें बिल्कुल भी गैप नहीं रखनी है। ये देखिए इस तरह से टाइट रोल लपेटते जाना है। इसका जो साइड है लास्ट वाला, ये जो एज है, इस पर हमें पानी लगाकर अच्छे तरह से इसे चिपका लेना है, ताकि ये जो रोल है वो छूटे नहीं। ये देखिए मैंने टाइट रोल अच्छी तरह से बना लिया है, और उसके जो अनइवन पीस है साइड में 2 वो कट करके निकाल लेंगे, और बाकी का जो रोल है उसके हम इवनली पीस कट कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे इस तरह से। देखिए इसमें से एक एक मैं पीस लेकर इसे इस तरह से रखूंगी, और इसे हमें इस तरह से ऊपर से दबाना है, और इसे इस तरह हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। ये देखिए इसी तरह से हम सभी पीस बेल लेंगे। ये देखिए मैं दोबारा एक बताती हूँ, इस तरह से हम पहले इसे दबाकर फिर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। कॉर्नस्टार्च डस्ट करते हुए हमें बेल लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे पीसेस बेल लिए हैं, इसे हमें ढककर रखना है तलने तक। ये देखिए यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया है। तेल बिल्कुल भी गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर लो फ्लेम पर ही मैं तेल में ये फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर 1 पीस डालने के बाद में इस पर चम्मच से इस तरह से तेल उड़ाएंगे पलटाते हुए। 10 सेकेंड के बाद में इसे इस तरह से खड़ा कर लेना है हमें फोक की सहायता से, और फिर खड़ा पीस करने के बाद में ऊपर से हमें तेल छिड़कना है, ताकि इसकी जो परतें हैं वो पूरी तरह से खुल जाए, और इसमें जो भी कॉर्नस्टार्च है वो तेल में निकल जाए। ये देखिए 1 पीस तलने के बाद में इस तरह से हमें साइड करेंगे, और दूसरा पीस हमें इसी तरह करना है। देखिए इस तरह से
बाकी के सारे पीस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इन्हें हम निकालेंगे ताकि इसका तेल भी छन जाए, थोड़े से ठंडे भी हो जाए। गाइस एक बैच फ्राई करके पूरी तरह से हो चुकी है, अब हमें एक एक करके इस तरह से चाशनी में डिप करके छाननी में रखना है ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो पूरी तरह से छन जाए। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पीसेस को एक एक करके चाशनी में डुबो कर निकालते जाएंगे। गाइस इस तरह से करने से ये जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो बरकरार रहती है और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा चाशनी नहीं रहती है इसमें। ये देखिए इस तरह से पूरे रखने के बाद थोड़ी देर बाद हम इसे ऐसे ही रखेंगे और ये फिर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए गाइस मैंने इसे इस तरह से सजा लिया है, इस पर मैं ड्राई फ्रूट्स की बजाय यहाँ पर मगज़ डालना पसंद कर रही हूँ। आप चाहे जो भी इस पर डाल सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं आप, मैं यहाँ पर मगज़ डाल रही हूँ। देखिए किस तरह से खूबसूरत लग रहे हैं ये। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। बाय।